नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होगे। दोस्तों आज का वीडियो बनाने जा रहे हैं दमाम शहर के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पूरा शहर कितना ट्रैफिक होता है, कैसा ट्रैफिक होता है, और ये शहर का मुख्य मार्ग है, मेन मार्ग है। ठीक है, तो वीडियो को हम काटेंगे नहीं, कुछ भी नहीं कटेंगे, करेंगे जितना बनेगा, जितना बड़ा बनेगा, 20 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पूरा दिखाएंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो जिससे जो नए लोग आएंगे ना, आने वाले हैं, आप आने की सोच रहे हो, तो आपको पूरा कंटिन्यू वीडियो दिखाई देगा सही से कि कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, किस हिसाब से चलना होता है और किस हिसाब से आपको जो है कौन सी लाइन में चलना है। ठीक है ना, क्योंकि शहर का मेन मार्ग यही है। और दूसरी बात है, छोटा शहर है तो जो लोग यहाँ पे आएंगे तो ट्रैफिक का क्या हाल है, कितनी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, वो सारी बातें इस वीडियो में आपको लगभग समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अब हम हैं दमाम के दूसरे छोर पे और आप देखिए कि शहर एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में कितना समय लगता है। और ये एरिया 91 कहलाता है। साथ साथ में ये भी देखिए कि ट्रैफिक में जो नए लोग आए किस तरह से चलना होगा। सौ की स्पीड का रोड है ये। कितना समय लगेगा आपको पूरा बिना काटे हुए वीडियो पूरा दिखाएंगे। और ये शहर का मुख्य मार्ग है, ये दमाम शहर का, ये दाहिनी तरफ एक यहाँ का जो माल है बना हुआ है, अल नखिल। और ये जिस रोड पे चल रहे हैं ये एयरपोर्ट रोड है, हमारे पीछे एयरपोर्ट है करीब 50 किलोमीटर लगभग। अभी शाम के 4:15 बजे हैं। ये देखिए स्पीड से गाड़ी निकल गई। ये ऊपर सेंसर कैमरे लगे हैं इस पे। थोड़ी थोड़ी जगह पे सभी जगह पूरा कैमरे से जो है फिट रहता है। दमाम सिटी सेंटर 15 मिनट का साइन बोर्ड बता रहा है। ये दमाम का मुख्य मार्ग है। एक्सप्रेस जो शहर के अंदर से निकलता है,
देखते हैं कितना मिनट लगता है शहर को पार करने में। यहाँ से शुरू हो जाता है शहर का भीड़ भाड़ का एरिया। ये ओवर ब्रिज जो निकल गया है, ऊपर से जो देहरान हाईवे है, अब जिसको सीधा जाना है वो इससे चलेगा जिससे हम जा रहे हैं, जिसको शहर के अंदर जाना है वो दाहिनी तरफ वाले रोड पे चला जाएगा जिससे दूसरी गाड़ियां जा रही। देखिए कितना ट्रैफिक होता है, किस हिसाब से कितनी दूरी पे चलना होता है। सामने वाली गाड़ी से फासला कुछ बना के रखें और अगर जरूरत नहीं है तो इसी लाइन में चलें, क्योंकि वो बाईं तरफ जो रोड है जिससे दूसरी गाड़ियां जा रही हैं ओवरटेक करके, वो जो है स्पीड रोड है। अगर जल्दबाजी नहीं है, आराम से चलना है तो इसी रास्ते पे चलते रहें बस। जब तक शुरू शुरू के नए दिन दिन हैं, रास्ते समझ में नहीं आते हैं या कुछ, तब तक ऐसे ही चलते रहें सेकंड वाले रोड से। देखते हैं शहर को पार करने में कितना टाइम लग जाता है। ये पूरा रोड जो बनाया हुआ है, एक भी जितना चौराहा या जो कुछ आएगा ना, सब ऊपर से निकल जाएगा, अंडरग्राउंड से ये शहर के बाहर निकालेंगे। सीधा जाने वाली गाड़ी को कहीं रुकना नहीं है, नॉन स्टॉप चलते जाओ। और यहाँ पे 80 की लिमिट है, पीछे जहाँ से वीडियो शुरुआत किया था वीडियो का, वहाँ पे 100 की थी। शहर के अंदर देख लीजिए, यहाँ पे भी 80 की लिमिट है। हो जा रही आगे है दमाम प्लाजा, सिटी सेंटर, ओवर ब्रिज यहीं पे। आधे शहर के अंदर आ चुके हैं भाई, आधा शहर पार करके आ चुके हैं। और ये हाईवे है, ये हाईवे सीधा जाता है खोबर के लिए, अल खोबर।
ये देखो यहाँ पे इस तरह का ट्रैफिक होता है कुछ ऐसे। और ये कुछ ही दूरी पे बाई तरफ यहाँ का स्टेडियम है, फुटबॉल स्टेडियम। ये आपको लाइटें दिख रही होंगी, ये स्टेडियम है। और ये लगभग हम शहर को पार करके आ चुके हैं। दूसरे किनारे पे आ गए हम दमाम शहर के। यहाँ से हम निकल लेंगे, एग्जिट कर लेंगे दाहिनी तरफ, और दमाम शहर का यहाँ से जो मेन सिटी है खत्म हो रहा है। मेन शहर दमाम का खत्म हो चुका है। जैसे शुरुआत होती है ना शहर की, एक तरफ से थोड़ा दूसरी तरफ से थोड़ा, तो वो ऐसे ही है यहाँ से खत्म। और यहाँ से ये जो दाहिनी तरफ बिल्डिंगें दिख रही हैं आपको, इन बिल्डिंगों के उधर रेलवे स्टेशन है दमाम। देखिए बोर्ड में ऊपर लिखा भी था। अब हम आ जाएंगे बाईं तरफ और सीधा जाएंगे समंदर की तरफ। ये देख लिए, देखो भाई कुछ लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, जिन लोगों की छुट्टी है, कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं या बिजनेसमैन भी होते हैं, कुछ थोड़े बहुत दुकानदार हैं। एक चीज ये देख लीजिए कि यहाँ पे रेड लाइट है, सिग्नल बंद है, और हमको जाना है तो हम ये देखिए, जिसको इधर जाना है तो इधर आ जाओ, दाहिने जाना है तो चले जाओ। ये हम शहर के बिल्कुल बाहर बाहर हैं। हमारे बाईं तरफ शहर है, दाहिनी तरफ फ्री है।
होने वाला है भाई, बंद हो गया, हम तो रह गए पीछे। डिवाइडर बने हैं रोड पे पैदल चलने वाले लोगों को पार करने के लिए, और पैदल चलने वाला आदमी अगर ऐसे बीच रास्ते से पार करेगा तो पुलिस ने देख लिया तो जुर्माना मार देंगे। ये देखिए गाड़ियों में जो है अनार बेच रहे हैं, यहाँ के लोकल किसान है। लोकल किसान कहें या लोकल के जो सब्जी विक्रेता हैं, मंडी से ला के बेच रहे हैं मालूम नहीं। दाहिनी तरफ समंदर आ गए आप, और यहीं पे सी पोर्ट भी है दमाम का, राइट साइड में समंदर की तरफ जो दिख रहा है यहीं से दिखता है। छोटा सा शहर है, जो नया भाई आएगा यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, आपने देखा ही होगा पूरा वीडियो हमने कहीं पे काटा नहीं है। शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे पे आ गए, अब आगे समंदर है, आगे शहर तो है नहीं, पीछे जहां था वहां से हमने वीडियो की शुरुआत की थी।
तो भाई ये जो लगभग 20-22 मिनट का वीडियो बना है, आपको वीडियो कैसा लगा? अभी हम समंदर किनारे आ गए और यहीं पे हमारा जो है रूम है जहाँ पे हम रहते हैं। तो थोड़ा 10-5 मिनट इधर घूमेंगे, फिर उसके बाद रूम पे चले जाएंगे। तो आपको कैसा लगा पूरा शहर और ट्रैफिक कैसा लगा? जो नया बंदा आएगा ना, आपको हमने पूरा दिखा दिया, बस यही इतना शहर है और यही इतना ट्रैफिक का मेन एरिया है। इसके अलावा हाईवे रोड का दूसरा कोई ट्रैफिक का एरिया नहीं है। जो शहर का जो मुख्य मार्ग, जो मुख्य ट्रैफिक है वो यहीं पे है। इसके बाद में फिर जो हाईवे पे जाओगे वो अलग है। ये हाईवे ये भी है शहर के अंदर का है, ठीक है जी। तो बस ख़त्म करते हैं वीडियो को। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर करना। ओके भाई, बाय, जय हिंद। Thank you.